उनकी बहुत पहले से उनकी फ़ैन हूँ मोहम्मद साहब जी की, और प्रोग्राम काफ़ी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ तक कि मैं तो लाइव भी आई थी, इतना अच्छा मुझे प्रोग्राम लगा और काफ़ी अच्छा है प्रोग्राम, बहुत अच्छा है। मेरे बारे में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूँगी, बट हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं एक ग्लैमर हूँ, ग्लैमर इंडस्ट्री से हूँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री से हूँ, और बहुत सारी बहुत सारा मतलब काम किया हुआ है, बट उसको बताने का मतलब नहीं है। बट अभी बहुत अच्छा कुछ ऑडियंस के लिए आने वाला है मेरा। प्रोजेक्ट अभी मेरे बहुत सारे चल रहे हैं, और वैसे तो अल्ट उल्लू और बहुत सारे मतलब ऐप पे रहते हैं, और भी नेटफ्लिक्स वगैरह के लिए हमारी प्लानिंग चल रही है, और बहुत जल्द से जल्द कुछ सबसे हटके आने वाला है। क्या है कि देखिए वो कहते हैं ना कि इंसान के अंदर जो होता है हुनर, एंड इंसान अपने हुनर को एक बाकायदा से बहुत खूबसूरती से ऑडियंस को दिखाना चाहता है, तो उसी तरीके से मैं भी अपने हुनर को अपने मतलब वो क्या कहते हैं कि काबिलियत को एक पूरे ऑडियंस को दिखाना चाहती हूँ कि कुछ अच्छा मैं करूं और आगे भी अच्छा करती रहूं। अभी तो कर ही रही हूं, डोंट माइंड, लेकिन मैं इससे भी अच्छा करना चाहती हूं और ऑडियंस के आगे लाना चाहती हूं। हाँ हाँ अभी अभी एक सॉन्ग मुझे मोहम्मद रफ़ी साहब जी का है ना, बहुत अच्छा लगा है, जट यमला पगला दीवाना, बहुत अच्छा सॉन्ग है, और ये मेरा फेवरेट सॉन्ग भी है, एक्टर भी बहुत सुपर्ब है, आई मीन धर्मिंदर ना, धर्मिंदर सनी देओल, ओके सो एक्टर भी बहुत फेवरेट है। तो अभी अंदर में सॉन्ग सुन रही थी, बहुत अच्छा लगा मुझे वो सॉन्ग, जट यमुला पगला दीवाना रब्बा इतनी सी बात न माने, ओए ओए बस इतना ही आता मुझे। पूजा आजकल ग्लैमर का आप कर रही हैं बहुत ज़्यादा, और ग्लैमर में आप एक अपनी पहचान बनाई है जी, इसके बारे क्या कहना चाहेंगी? और आपका इंस्टाग्राम जो है वो फैन फॉलोइंग आपकी बहुत ज़्यादा है, और बहुत अच्छा इंस्टाग्राम पे आपको दिखा रही है, तो ऑडियंस को क्या अब नया दिखने को मिलेगा? ऑडियंस को मैं नया कुछ नहीं, बहुत कुछ दिखाना चाहती हूँ जो अभी तक मेरी ऑडियंस ने नहीं देखा है, और सुपर क्लासिक मसाला, तड़कीला भड़कीला चटकीला, मैं सब कुछ अपनी ऑडियंस के लिए लाना चाहती हूँ, बहुत जल्द से जल्द आ रहा है हमारा जी।